नमस्कार साथियों, नॉलेज बीसीए यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीखने के प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम यानी कि विद्यार्थी विकास सूचकांक का डिस्प्ले हर विद्यालय में हर कक्षा के दीवार पर डिस्प्ले किया जाना है, जिसमें कम से कम आप लोगों को 5 लर्निंग आउटकम्स चयन करके उसमें बच्चों का नाम लिख करके आपको बच्चों की दक्षता हासिल करने पर उसको में आपको टिक का निशान करते हुए जाना है। तो ये देखिए, आपको ये जो लर्निंग आउटकम है इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हर क्लास में अभी आप लोगों को जो पाठ्य पुस्तक वितरित किया गया है कक्षा 5 से लेकर के 8वीं तक के, उस पाठ्य पुस्तक को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह से सीखने के प्रतिफल, इस तरह से आपको लर्निंग आउटकम के ये नाम दिए गए हैं, उसका कोड है लर्निंग आउटकम का, ये जो कोड दिखाई पड़ रहा है और ये उसके ये यहाँ पर उसके कार्य दिया गया, वो दिया गया कि इस लर्निंग आउटकम के साथ आपको क्या क्या दक्षताएं बच्चों में हासिल करनी है। इस तरह से ये लर्निंग आउटकम आपको बच्चों की किताब में ही मिल जाएगा। इस तरह से आपको बच्चों के जो लर्निंग आउटकम है उसी के आधार पर ही आपको अपना जो पाठ्यक्रम उसको तैयार करनी है। इस तरह से आपको ये देखिए लर्निंग आउटकम आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर लर्निंग आउटकम का कोड हो गया। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा है कक्षा 1 का आपको बुक दिखाई, और यहाँ पर देखिए आपको ये पाठ का नाम दिया गया है, उस पर कौन कौन से लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सजेटिव लर्निंग आउटकम्स के सुझाव भी इस प्रकार से आपको किताब में ही दिया गया है। तो इस तरह से आप उसी लर्निंग आउटकम के आधार पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं दीवार पर, और उसके आधार पर आप बच्चों का लर्निंग आउटकम की प्राप्ति पर कार्य कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि एक नज़र की जो राज्य से पत्र जारी हुआ है उस पर क्या कहा गया है। इस तरह देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से एक पत्र जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है 31 जुलाई 2021 को, जिसमें कहा गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को, प्राचार्य डाइट समस्त जिले छत्तीसगढ़ को और जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले छत्तीसगढ़ को। देखिए इसका जो विषय है, इसमें कहा गया है कि बच्चों की उपलब्धि में सुधार लाने हेतु कक्षाओं में आवश्यक व्यवस्थाएं, इसका जो संदर्भ दिया गया है प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश। पत्र में कहा गया है कि राज्य में अकादमिक मॉनिटरिंग में कसावट लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। विभिन्न स्तरों से अधिकारियों द्वारा अकादमिक मॉनिटरिंग के दौरान देखे जाने वाले बिंदुओं में से 2 प्रमुख बिंदु इस प्रकार है कि विभिन्न कक्षाओं या विषयों के लिए माहवार फोकस लर्निंग आउटकम हासिल करने वाले बच्चे, और दूसरा कहा गया है कि विभिन्न विषयों के अध्यापन के दौरान प्रयोग प्रदर्शन कर समझ के साथ सीखना तय करना। इन दोनों कार्यों को संपन्न करने एवं इनसे प्राप्त डाटा का अकादमिक मॉनिटरिंग में उपयोग करने निम्नलिखित कार्यवाहियां किया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें कहा गया है नंबर 1 में कहा गया है कि विभिन्न विषयों एवं कक्षाओं के लिए प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी का गठन कर ले। नंबर 2 कहा गया है कि इस प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी को विभिन्न कक्षाओं एवं विषयों के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम का अध्ययन करने को कहे। इसके माध्यम से इन लर्निंग आउटकम को माहवार फोकस लर्निंग आउटकम में इस प्रकार से विभाजित करवा लेंगे कि पूरे सत्र के भीतर सभी निर्धारित लर्निंग आउटकम पर अभ्यास पूरा किया जा सके। यानी कि आपको सत्रवार माहवार आपको इसको डिवाइड कर लेनी है लर्निंग आउटकम को, ताकि बच्चों में वह दक्षताएं हासिल हो जाए। फिर कहा गया है कि माहवार फोकस लर्निंग आउटकम को कक्षा के दीवार में चार्ट में इस प्रकार से प्रदर्शित करें। किस प्रकार से आपको चार्ट बनानी है, यहाँ पर आपको नमूना दिया गया है कि इस प्रकार से आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर क्रमांक रहेगा, यहाँ पर लर्निंग आउटकम का कोड रहेगा, और यहाँ पर बच्चे यदि उक्त दक्षता हासिल कर लेते हैं उस माह में तो आपको इस तरह से टिक कर लेनी है, या चाहे तो आप उसका दिनांक भी अंकित कर लेते हैं जिस दिनांक को वह दक्षता हासिल कर लेता है। इस तरह से तो इस तरह से आपको लर्निंग आउटकम डिस्प्ले करनी है। इस तरह से आपको चार्ट ड्राइंग शीट पर या फिर पेपर पर आपको बना करके हर क्लास में आपको डिस्प्ले करनी है विषय वार। इस चार्ट को विद्यार्थी विकास सूचकांक के नाम से जाना जाएगा। इसमें बाएं और ऊपर से नीचे विद्यार्थियों के नाम, इस तरह से आपको विद्यार्थी के नाम एवं ऊपर बाएं से दाएं, इस तरह से बाएं से दाएं आपको लर्निंग आउटकम की सूची कोड में लिखी होगी। चाहे तो आप लर्निंग आउटकम पे क्या दक्षता हासिल करनी है उसको भी आप नीचे में लिख सकते हैं इस तरह से। और अगला कहा गया है कि जब शिक्षक यह सुनिश्चित कर ले कि किसी विद्यार्थी को कोई लर्निंग आउटकम बहुत अच्छी तरह से हासिल हो गया है, तभी उस विद्यार्थी के सम्मुख उस लर्निंग आउटकम के हासिल होने की सूचना टिक अथवा हासिल करने की तिथि का उल्लेख कर देवे। इस तरह से आप तो आप टिक कर सकते हैं या फिर दिनांक डिस्प्ले कर सकते हैं यदि विद्यार्थी अच्छी तरह से उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है। फिर कहा गया है कि मॉनिटरिंग करने आ रहे अधिकारी अथवा शाला प्रबंधन समिति के सदस्य इस चार्ट को देखकर टिक लगे विद्यार्थियों में से कुछ को खड़े कर उसके सम्मुख हासिल की गई लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न पूछकर सत्यता का परीक्षण कर सकेंगे, यानी कि जांच कर सकेंगे कि विद्यार्थी वास्तव में वह शिक्षा हासिल की है कि नहीं की है। इसी प्रकार प्रोफेशनल लर्निंग कमिटी प्रत्येक विषय एवं पाठ में निहित अवधारणाओं को समझाने के लिए विभिन्न प्रयोगों की सूची बनाकर उसका विवरण शिक्षकों को उपलब्ध करवाएंगे। विभिन्न पाठ्य पुस्तकों के माहवार सिखाने का निर्धारण कर उन प्रयोगों को निर्धारित माह में शिक्षकों द्वारा कर पाने हेतु सतत क्षमता विकास कर सकेंगे।
प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी द्वारा गणित, भाषा, पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन विषय में ऐसे प्रयोगों का चिन्हांकन किया जाएगा जिन्हें करने हेतु आवश्यक सामग्री आसानी से आसपास उपलब्ध हो सके या स्कूल के किट में उपलब्ध हो। यानी कि आपको ऐसे प्रयोग का चिन्हांकन करना है जिससे जो कबाड़ के जुगाड़ से आसानी से तैयार किया जा सके या फिर स्कूल में उपलब्ध हो। जिले में विद्यार्थी विकास सूचकांक एवं माहवार विभिन्न प्रयोग प्रदर्शन को सभी शालाओं में क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी विषयवार प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को सौंपते हुए शाला संकुलों में समस्त शालाओं में इसके क्रियान्वयन की जो जवाबदेही है शाला संकुल प्राचार्य को दिया जाना है। इन दोनों पद्धतियों को सभी शालाओं में नियमित रूप से उपयोग में लाते हुए उपलब्ध डाटा का उपयोग मॉनिटरिंग अधिकारियों को देने के साथ साथ शाला में बच्चों की उपलब्धि में सुधार के लिए भी उपयोग में लाए। तो इस तरह से यह जो पत्र है प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा 31 जुलाई 2021 को जारी किया गया है। तो इस प्रकार से आपको लर्निंग आउटकम कहाँ से प्राप्त करनी, मैंने आपको पहले बता दिया कि इस तरह से सभी जो अभी आपको पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुआ है नवीन सत्र का उस पाठ को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो पाठ शुरुआत से पहले ही आपको इस तरह से लर्निंग आउटकम और पाठ में कौन कौन से लर्निंग आउटकम आप हासिल कर सकते हैं उसकी आपको सूची इस तरह से प्राप्त हो जाती है। इस तरह से लर्निंग आउटकम के कोड हैं और यहाँ पर उसकी दक्षताएँ भी यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से आप आसानी से लर्निंग आउटकम आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप प्रत्येक माह के लिए कम से कम इस तरह से 5 लर्निंग आउटकम तैयार करके इस तरह से बच्चों का नाम लिख करके उसको आपको माहवार विषयवार इस तरह से आपको डिस्प्ले कर देनी है। यह एक आपके उदाहरण स्वरूप है। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं कि सभी कक्षाओं में अनिवार्यता विद्यार्थी विकास सूचकांक का प्रदर्शन करना है। राज्य में प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को विभिन्न लर्निंग आउटकम में दक्ष करने के उद्देश्य से प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी विकास सूचकांक तैयार कर उसका उपयोग करने के निर्देश राज्य कार्यालय से प्राप्त हुआ है। इसके तहत शिक्षकों को प्रत्येक माह प्रत्येक कक्षा में कम से कम 5 लर्निंग आउटकम का चयन कर उस पर फोकस कर कक्षा में अध्यापन कराना होगा। यह कार्य उनके नियमित पाठ्यक्रम के अध्यापन के साथ साथ जारी रखा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी शिक्षक द्वारा माह में विद्यार्थियों को हाव भाव के साथ किसी कविता को गा सकने के लर्निंग आउटकम को फोकस किया गया है तो उस माह अपने नियमित अध्यापन के साथ प्रत्येक विद्यार्थी में इस दक्षता को लाने हेतु प्रतिदिन कुछ समय अलग से निकाल कर उस पर फोकस किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा में इस चार्ट में प्रति माह नए 5 लर्निंग आउटकम लिखकर जिन जिन बच्चों में वह हासिल हो जाता है उनके नाम के आगे टिक करें या फिर आप दिनांक भी लिख सकते हैं। आपका प्रयास यह होना चाहिए कि सभी बच्चों में वह लर्निंग आउटकम उसी माह में अनिवार्यता आ जाए। इसके लिए वे विभिन्न उपाय कर सकते हैं और विद्यार्थियों को भी एक दूसरे से सीखने के अवसर देंगे। इस प्रकार एक सत्र में सभी लर्निंग आउटकम हासिल करने की दिशा में प्रयास करेंगे और मिशन लर्निंग आउटकम कंप्लीशन को प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया से बच्चों को जिस कक्षा में वे जो चीज़ें सीखनी चाहिए वह सीख सकेंगे और हमें टीचिंग एक राइट लेवल अर्थात पुराने पाठ्यक्रम पर टिके रहने या फिर बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। वरना अक्सर हमें अधिकांश विद्यार्थियों के साथ पुराने चीज़ों को सिखाने में ही समय निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप लर्निंग आउटकम विद्यार्थी विकास सूचकांक तैयार करके उसको आपको कक्षा की दीवार पर इस तरह से आपको डिस्प्ले करनी है इस तरह से। और विद्यार्थी यदि उस लर्निंग आउटकम को अच्छे से हासिल कर लेता है तो यहाँ पे हमको लर्निंग आउटकम के नीचे में यहाँ पे नाम जहाँ दिखाई पड़ा है उसको हमको टिक कर देनी है या फिर जिस दिनांक को वह कंप्लीट करता है वहाँ पे हम दिनांक अंकन कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।